हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शुद्ध और स्पेशल व्हिप्ड क्रीम बनाना बता रही हूँ। ये व्हिप्ड क्रीम मार्केट में तो मिलती है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली मिलती है, जिसे हम सभी परचेस नहीं कर पाते हैं। ये जो देख रहे हैं क्रीम, इसे मैंने दूध से बनाया है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक बीटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ किए ही, घर पर ही उपलब्ध चीज़ों से बनाना बता रही हूँ। ये जो देख रहे हैं ये क्रीम को देखकर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा ना कि इसे हम घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये क्रीम को बनाना बहुत ही आसान है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए हुए घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से इसमें अच्छी मोटी मलाई जम गई है। अब इस मलाई को हम छन्नी में अलग कर लेते हैं। आपको जितनी भी क्रीम बनानी है उसके हिसाब से आप दूध का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। फुल क्रीम दूध लेने से ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई निकलती है। ये देखिए, अब इसमें जो एक्स्ट्रा दूध है इसे हम अलग कर लेते हैं। ध्यान रखें इस बात का, इसमें एक्स्ट्रा दूध ना रहने दें। अब इस मलाई को बाउल में अलग कर लिया, बाउल में निकाल लिया है और इसे स्पून या मथनी से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाएं। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी मशीन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बीटर भी बहुत ही महंगा रहता है, हम सभी परचेस नहीं कर पाते। कुछ व्यूअर्स तो कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे ये मेल्ट होती जा रही है। यदि ये मेल्ट होती है तो इसे 5 से 6 मिनट के लिए बीच बीच में फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट तक इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितनी ही ठंडी होगी तभी हमारी क्रीम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस तरीके का आपके पास बिस्क हो या मथनी, तो उससे भी आप इसे कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहें। ये धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है और क्रीम अपनी क्वांटिटी से दुगनी होती जाती है। जितनी जितनी इसे हम कंटिन्यू हाथ से चलाते जाते हैं तो ये हल्की भी दिखती है और इसमें शाइन आ जाती है। ये हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है। अब इसमें चीनी का पाउडर ऐड करते हैं। चीनी का पाउडर इसमें बिल्कुल फाइन, जैसे आपने मिक्सर में अच्छे से चीनी के पाउडर को पीस लिया है, मिक्सर में चीनी का पाउडर तैयार किया है, तो उसे आप छन्नी से छान लें। इसमें बिल्कुल बारीक चीनी का ही बूरा ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखें। समर सीज़न में ज़्यादातर दिक्कत होती है कि ये क्रीम जल्दी मेल्ट होती है, तो आप इसके लिए किसी भी बाउल के ऊपर क्रीम वाले बाउल को रख दें और बाहर वाले बाउल में आप आइस क्यूब डाल दें। ये देखिए, बाहर वाले बाउल में मैंने आइस क्यूब डाल दिया है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो जाए। धीरे धीरे ये क्रीम इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। इस प्रोसेस को होने में मिनिमम 30 से 35 मिनट लगता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करें, ये ठंडी होगी तभी हमारी परफेक्ट क्रीम बनेगी। अब इसमें आपको जो भी कलर ऐड करना है वो कलर ऐड करके इससे आप परफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, बिलीव ही नहीं हो रहा होगा ना कि इस क्रीम को हमने घर पर बनाया है, बिना किसी मशीन, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ दूध से आसानी से हम ये क्रीम बना सकते हैं। इस क्रीम का यूज़ पेस्ट्री और केक को डेकोरेट करने में होता है। ये देखिए, जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये अच्छे से होल्ड हो रहा है, कितनी अच्छी दिख रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ कि कैसे बनाना है क्रीम। आप इस तरीके से, वही प्रोसेस है कि आप इसे मलाई को अलग कर लें छन्नी में और एक्स्ट्रा दूध जो निकलेगा उसे अलग कर लें। फुल क्रीम दूध जो लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मलाई निकलती है और ज़्यादा फिर क्रीम बनेगी। अब इस मलाई को हम स्पून से छन्नी के ऊपर चलाते जाते हैं तो ऊपर साइड मक्खन अलग हो जाता है और नीचे क्रीम निकल आती है।
अब इस क्रीम, यदि ये क्रीम आपकी मेल्ट हो रही है तो इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और इसे स्पून या विस्क से कंटिन्यू चलाते जाएं। इस प्रोसेस को होने में 30 से 35 मिनट लगता है। यदि आपके शोल्डर में दर्द होता है इसे चलाते चलाते, तो बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रखें। आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ठंड में तो ये क्रीम आसानी से बन जाती है, लेकिन समर सीजन में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने वही आपको जो फंडा बताया है कि नीचे आप बाउल में आइस क्यूब रख लें और ऊपर से क्रीम वाले बाउल को रख लें। इस तरीके से उसका आपका टेम्परेचर मेंटेन भी रहेगा और ये परफेक्ट क्रीम, ये देखिए परफेक्ट क्रीम बनकर तैयार है ना, विस्क में अच्छे से होल्ड हो रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा इस तरीके का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब करिए।